अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करेंगे CS 601 क्विज नंबर 1 की। बड़ा इजी सा क्विज था और इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह आपके साथ करंटली पेपर भी इसी चैनल पर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ एज यूजल मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन जो है मिल सके। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आल पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहा करे और आप बर वक्त जो है वो हर चीज़ को देख सकें। पहला क्वेश्चन आपका है कि डैश कैटेगरी ऑफ क्विक्सिल केबल्स इज यूज फॉर थिन इथरनेट। वो कह रहा है कि जो आपकी थिन इथरनेट होती है उसके अंदर आप कौन सी क्विक्सिल केबल को इस्तेमाल करते हैं, तो ये RG598 होती है केबल, ये इसका नंबर है, याद रखिएगा। ये आपको गूगल पे भी आ जाएगा, आप इसको गूगल से कर सकते हैं एक दफ़ा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके ना मिड टर्म में भी आ सकता है। और ये बातें हमेशा याद रखा करें, बेशक आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, जो आपके क्विजेज के अंदर क्वेश्चंस आए होते हैं ना आपके पेपर में, बल्कि चांस होता है तकरीबन 80% चांस होता है कि ये पेपर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो जो आपको चीज़ समझाई जाती है उसको याद रखा करें फॉर द मिड पॉइंट ऑफ व्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द नेटवर्क लेयर इज फिजिकल। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की और नेटवर्क लेयर की वो आपकी फिजिकली तौर पर होती है। फिजिकली तौर पर यहाँ से इससे मुराद ये होता है कि आपकी जो बातचीत होती है वो थ्रू वायर्स होती है, और वायर वो काम या वो आपके पास जो है वो कंडक्टर होता है जिसको आप टच भी कर सकते हैं और आप फील भी कर सकते हैं। तो ये आपका फिजिकल जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। इसको मैं करेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना या पढ़ लेना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके जी, यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम यूजेस डैश वोल्टेज लेवल। तो ये आपके 2 वोल्टेज जो है वो इस्तेमाल करती है, 2 यहाँ पर इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो जो आपकी यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर से मुराद ये होती है कि आपकी जो कोडिंग स्कीम है वो कितने वोल्टेज को इस्तेमाल करेगी, वो 2 वोल्टेज को इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कह रहे हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंडक्टर बाय द क्विक्सिल केबल, तो आपका BNC होता है, ये भी आपका गूगल से बड़ी आसानी से निकल आएगा। और ये आपके प्रॉपर जो आपको दिए हुए हैं ना, आपकी रेफरेंस बुक है, और इसके अलावा आपको जो स्लाइड्स दी हुई है उन्हीं स्लाइड से आपको जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो क्विक्सिल केबल से थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फाइनल में भी ज़्यादा आ सकता है। तो आपको वो कह रहा है जो कॉमन टाइप है कनेक्टर की, क्विक्सिल केबल की, वो कौन सी होती है, वो BNC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन इन विच डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड एज अ कंटिन्यूस स्ट्रीम इन टाइम विद अ मास्टर क्लॉक, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट्स एंड गैप्स आर नॉट फाउंड, ट्रांसमिटर एंड रिसीवर ट्रांसमिट इज सिंक्रोनियस। तो ये आयो सिंक्रोनियस के अंदर होता है जी। आयो सिंक्रोनियस का मतलब ये होता है कि ये आपके पास ऐसी टाइप होती है सीरियल ट्रांसमिशन की जिसके अंदर आपका डेटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में कंटिन्यू स्ट्रीम होता है, यानी कंटिन्यू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता है। आपका कुछ इस तरह से भी MCQs पूछा जा सकता है कि एसिंक्रोनस इज अ टाइप ऑफ डैश, यानी ये सीरियल और ट्रांसमिशन, ये आपका जो है वो MCQs की फॉर्म में आ सकता है। हाईलाइट मैंने इसको कर दिया है, होपफुली आप इसको एक दफ़ा पढ़ के याद रखेंगे। और ये आपका MCQs आता भी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। ये आपने दोनों जो सेंस है इस MCQs की, दोनों इस सेंस को अपने माइंड में रखना है। दोनों तरह से आपके क्विज में भी पूछा जा सकता है और आपके जो मिड टर्म है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, इन डैश स्कीम ऑल द सिग्नल लेवल आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस इधर बिलो और इधर अबव और बिलो। तो ये आपके पास पोलर स्कीम होती है जी। पोलर स्कीम के अंदर क्या होता है, आपके पास तमाम तो जो सिग्नल के लेवल्स होते हैं ऑन वन साइड, एक साइड पर, और तमाम साइड एक्सिस पर जो है वो या तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लाइक इस तरह की फॉर्म में जो है वो आते जाते रहते हैं। तो ये आपके पास पोलर स्कीम है। ये पोलर स्कीम की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, आपसे MCQs की फॉर्म में भी पूछी जा रही है और आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपके पेपर के अंदर जो है पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मोड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन गारंटीज फिक्स डेटा रेट या फिक्स रेट डेटा। तो ये आपका एसिंक्रोनस होता है जो क्या करता है, आपको ट्रांसमिशन की गारंटी देता है कि आपका जो डेटा है वो फिक्स फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिंगिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज आर कॉल्ड। तो ये आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं, ये आपके बुक में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दी होगी, तो ये वाला नहीं होगा जी इसका आंसर, इसको आपने स्किप कर देना है, ये आंसर नहीं है, ये बाय मिस्टेक है। ये वाला इसका जो माइक्रोवेव आंसर है, इसका परफेक्टली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉर्मली यूज वेयर स्पीड इज प्रायोरिटी इन डेटा ट्रांसफर। तो ये आपका हाइब्रिड डेटा ट्रांसमिशन होता है। हाइब्रिड डेटा ट्रांसमिशन से मुराद होती है कि दो आपके जो नेटवर्क्स होते हैं वो मिल जाते हैं, तो दोनों की जो स्पीड होती है वो आपको मिल जाती है और आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड अमूमन जो है वो प्रायोरिटी मिल जाती है, ज़्यादा हो जाती है।
तो ये आपका हाइब्रिड डेटा ट्रांसमिशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स डैश ऑकर्स फ्रॉम अ सिग्नल वेयर अ हाई एनर्जी विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपकी इम्पल्स नॉइस होती है। असल में नॉइस क्या होता है जी, नॉइस का मतलब होता है कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर में आपका कितना सिग्नल जो है वो वीक हो गया, कितना सिग्नल जो है वो आपका स्ट्रॉन्गली वर्किंग में जो या वर्किंग में जो है वो काम नहीं कर सकता, तो वो बेसिकली नॉइस होता है जो आपके सिग्नल को वीक कर देता है। तो ये आपका जो है नॉइस यहाँ पर करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो होपफुली जी आपको क्विज समझ आ चुका होगा। ये आपका क्विज था, बड़ा आसान क्विज था। अगर आपने तैयारी की हुई है तो आप बड़ी आसानी से अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके साथ जो है वो करंटली पेपर भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू सो मच। यहाँ तक ही आपकी वीडियो थी, यहीं तक मेरे पास जो क्विज क्वेश्चन है यहीं पर इतने ही थे, तो यहीं पर मैं आपको वीडियो को जो है वो खत्म कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।